हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। ये है iOS 16.3.1 का रिव्यू वीडियो आफ्टर यूजिंग इट फॉर 3 डेज। 3 दिन इस्तेमाल किया मैंने इसको प्रॉपरली, अच्छे से टेस्ट किया क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या इसमें जो है आपका फायदा है अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल करने में। तो आइए सारी चीजों पे एक एक करके हम नजर डालेंगे और देखेंगे क्या आपको ये वाला अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपडेट जो है इतना कोई बड़े साइज का अपडेट नहीं था, हार्डली 300 से 350 MB या 400 MB के आसपास का ही अपडेट आपको देखने मिलेगा इस वाले वर्जन के अंदर। और बहुत लोगों का बोलना है कि 5 GB का अपडेट आया, 2 GB का अपडेट आया, इसलिए आता है भाई क्योंकि आप iOS 16.3 से 16.3.1 पे अपडेट नहीं कर रहे हो, आप काफी पुराने वाले वर्जन से कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको अपडेट साइज जो है थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। लेकिन इसके बारे में फिगर नहीं करना है, आपको अपडेट करनी है जो भी साइज आ रहा है, एप्पल ही पुश कर रहा है, कहीं और से तो आ नहीं रहा है। तो आप बिंदास जाके जो है अपडेट को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइस नेटवर्क रिसेप्शन, वाईफाई, ब्लूटूथ के परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि ये अगर सही से काम नहीं करे फोन यूज करने का मजा जो है वो किरकिरा हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीजें आई एम हैप्पी टू से, मैं खुश हूँ ये बोलने के लिए कि सारी चीजें जो है अच्छे से काम कर रही है। मोबाइल डेटा भी सही तरीके से काम कर रहा है, वाईफाई भी सही तरीके से काम कर रहा है, ब्लूटूथ भी सही से काम कर रहा है और एयरड्रॉप और पर्सनल हॉटस्पॉट भी। मैं एप्पल वॉच अल्ट्रा का इस्तेमाल करता हूं और ये वॉच भी सही से काम कर रही है। साथ ही मेरे जो एप्पल एयरपॉड्स प्रो है ये भी सही से काम करे, प्रो है, प्रो 2 है, जो भी है सारे वर्जन जो है सही से काम करे, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपके सामने इसको पहन के भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इसको ओपन किया एक पॉपअप आ गया और यहाँ पे ये कनेक्ट भी हो गए। तो यहाँ पे कनेक्शन से रिलेटेड और कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो है आपको कोई इशू जो है इस वाले अपडेट में नहीं आना चाहिए, जितना मैंने इन 3 दिन में टेस्ट किया। तो इजीली मैं ये चीज आपको बता सकता हूं। अब बात करते हैं जनरल परफॉर्मेंस की ऐप क्रैशिंग के बारे में। तो यहां पे देखिए मैं बहुत सारे एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूं, चाहे वो सोशल मीडिया के एप्लीकेशन हो, चाहे वो मेरे कोई जो है क्रिएटिव टूल्स हो जिससे मैं वीडियो बनाता हूं या थंबनेल बनाता हूं, या फिर मेरे फाइनेंस से रिलेटेड एप्लीकेशन है, सारे एप्लीकेशन जो है यहां पे सही से काम कर रहे हैं। मुझे कोई क्रैश वगैरह देखने नहीं मिला और यहां पे कोई भी दिक्कत जो है इन एप्लीकेशन को यूज करने में आती नजर नहीं आई, ना ही मल्टीटास्किंग के अंदर या जो एप्स हम इस तरीके से बैकग्राउंड में रखते हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है और ना ही कोई ऐप के क्रैशिंग वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सभी आईफोन्स चाहे कोई भी हो उसके अंदर अगर आपने फेसबुक ऐप इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है और आप उसको यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको बैटरी लाइफ जो है वो कम देखने मिलेगी। मैं इसको रखा है लेकिन मैंने इसको जो है इस्तेमाल करना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है, हार्डली कभी किसी ने कुछ लिंक वगैरह भेजा तो वो ओपन करने के लिए मैं इसको रखता हूं, अदरवाइज मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। तो आप लोग भी कम से कम कीजिए। वैसे भी आजकल जमाना इंस्टाग्राम का, स्नैपचैट का, यूट्यूब का, वो एप्लीकेशन यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा है। फेसबुक जो है थोड़ा पुराना सा ही हो गया है और वो आपकी बैटरी ड्रेन करने में भी उस्ताद है। अब यहाँ पे एक और चीज है जो इस वाले अपडेट में अच्छी है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इस अपडेट में मुझे कोई हीटिंग इशू जो है फोन के अंदर नजर नहीं आया। ओवरहीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल हीटिंग देखिए आप यूज करेंगे गेम्स खेलेंगे तो नॉर्मली फोन वार्म होता ही है, चार्जिंग पे लगाएंगे तो थोड़ा सा हीट फोन जो है होता ही अगर आप फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करते तो। लेकिन ओवर हीटिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग गए हैं, काफी हॉट है अभी भी टेम्परेचर। और यहाँ पे अगर ओवर हीट हो रहा है आपका फोन तो फिर फोन यूज करने का मजा नहीं आएगा आपको। ऐसे यहाँ पे S23 अल्ट्रा भी है देखिए मेरा, इसका भी कैमरा जो है कमाल का है, स्क्रीन दोनों की फैंटास्टिक है, इनको आउटडोर्स में यूज करेंगे तो बहुत हाई ब्राइटनेस पे जाते हैं, उस टाइम पे आपको ओवरहीटिंग वगैरह देखने मिल सकती है। लेकिन ये अपडेट में काफी अच्छे से कंट्रोल्ड है वो ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम। शायद आगे आने वाले महीनों में और हमको पता चलेगा जब मार्च अप्रैल मई की गर्मी पड़ेगी, ज्यादा धूप आएगी, तब हमको समझ आएगा। अभी फिलहाल तो ये अपडेट के अंदर आपको ये वाला इशू नहीं आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम इस अपडेट की बैटरी लाइफ की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2% बैटरी है, कभी भी ये काम करना मत, मैं तो टेस्ट करता हूँ, मेरा काम है टेस्टिंग का, इसलिए 100 पूरा जो है नीचे आने तक कितनी बैटरी कंज्यूम करता है हमारा फोन वो चेक करना होता है मुझे। कभी 10% कभी 20% तक लाके मैं चेक करता हूँ, अभी 2% पे आ गया है। यहाँ पे देख लेते हैं बैटरी हेल्थ में जाएंगे तो 100% कैपेसिटी है, इसका सब टेंशन लेना नहीं है। आपको हमेशा बताऊँ अपडेट के बाद जो है बैटरी हेल्थ कम हो रही है, ज्यादा हो रही है या वैसी रह रही है उसके बारे में टेंशन मत लो। अभी यहाँ पे बैटरी जो लाइफ है वो बता दो। यहाँ पे ये मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स और इस पे जो लास्ट चार्ज मैंने किया था वो था कल थर्सडे को सुबह 7 बजे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद से मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया नहीं है और आज है फ्राइडे और अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो ये सोच लीजिए कि कितनी बैटरी लाइफ देते हैं आईफोन्स अगर आप लेटेस्ट मॉडर्न या मैक्स वाले मॉडल जो है प्रो मैक्स वाले लेंगे। तो ये सब S22 अल्ट्रा या S23 अल्ट्रा इतनी बैटरी लाइफ आपको निकाल के कभी देने वाले नहीं है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे जो है, इससे ऑफेंड मत हो जाना, बहुत लोग ऑफेंड हो जाते जल्दी जल्दी कि भाई क्यों एंड्रॉइड फोन का नाम लिया। तो है मेरे पास तो एक्सपीरियंस तो शेयर करना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये लास्ट 24 आवर्स का जो है डेटा है, मतलब कल शाम 4 बजे से आज शाम 4 बजे का। तो यहाँ पे ये एक्यूरेट नहीं होता है इतना क्योंकि मैंने इसको चार्जिंग पे से निकाला है सुबह के 7 बजे, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी लास्ट 10 डेज में जाते हैं और थर्सडे का डेटा हम चेक कर लेते हैं। तो थर्सडे को 6 आवर्स एंड 9 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम था और आज है फ्राइडे जिसमें 43 मिनट्स का है। तो मतलब एक सिंगल चार्ज पे हमको ऑलमोस्ट 7 आवर्स का, 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है विद डिसेंट एक्टिविटी, मतलब मॉडरेट टू हैवी यूजेज ही समझ लीजिए। जिसके अंदर अगर आप देखेंगे ये कल का डेटा मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक दिन का, यहाँ पे इंस्टाग्राम जो है 3 आवर्स 17 मिनट्स मैंने इस्तेमाल किया है, यूट्यूब 1.5 घंटा, उसके बाद जो है ये होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन जो है ये ऑन थी 20 मिनट्स के लिए, व्हाट्सएप 1 आवर 13 मिनट्स जिसमें कॉल्स वगैरह भी होते हैं, ऐप स्टोर, जीमेल, और जैसे आप अपने फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करते हो कॉल्स वगैरह करके, तो ये सारी चीजें हम लोग ने भी किया है अपने फोन के ऊपर।
और यहाँ पे आज फ्राइडे का डेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी व्हाट्सएप आधा घंटा, इंस्टाग्राम 7 मिनट, फिर बाकी चीजें जो है वो भी मैंने इस्तेमाल किया, इस तरीके से 43 मिनट्स का यूजेज हुआ है आज में। तो ऐसा देखा जाए तो बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, आउटस्टैंडिंग ही बोल सकते हैं, लेकिन इससे और बेटर भी हो सकती है, क्योंकि इसके पहले वाले अपडेट्स मैंने देखा है कि सुबह अगर 7 बजे मैं हटा दूं और फिर अगले दिन शाम में 4-5 बजे तक मैं देखूं तब भी जो है 10% 20% बैटरी रहती है। तो डिपेंड करता है यूजेज के ऊपर, अभी क्योंकि गर्मियों का मौसम भी है थोड़ी बैटरी लाइफ ड्रेन होती भी आपको नजर आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा फिनोमिनल बैटरी लाइफ है अगर आपके पास प्रो प्रो मैक्स मॉडल है तो, और दूसरे भी है तो अगर आप सही तरीके से यूज करें तो आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिलेगी। बैटरी लाइफ चेक करने का तरीका यही है कि आप जो है एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, रात के 12 बजे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप ये अंडरस्टैंड करना हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो आप में से कुछ लोगों के लिए, और 12 बजे रात को जो है आप इसको चार्ज करके फुल हटा दो और उसके बाद अगले रात को 12 बजे तक देखिए तो 24 आवर्स में आपको कितनी बैटरी लाइफ, कितना स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह देखने मिल रहा है वो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया थर्सडे और फ्राइडे का मिला के एक चार्ज में ऑलमोस्ट 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल रहा है मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स iOS 16.3.1 पे। अब बात करते हैं यहाँ पे गाइस स्टोरेज बग की, क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल किया था तो अपडेट करने से पहले मेरे फोन में 784 GB के आसपास फ्री था अवेलेबल स्पेस, और अपडेट करने के बाद ये घटकर हो गया था 770 GB, तो 14 GB जो है गायब हो गया था। वो कहाँ गायब हुआ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे सेटिंग्स में चलते हैं और जनरल में जाते हैं और यहाँ पे आईफोन स्टोरेज में चले जाते हैं और यहाँ पे अब देखते हैं कोई स्टोरेज बग है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा स्टोरेज जो है वो लोड हो चुका है, काफी टाइम लगता है 1 TB वाले आईफोन में स्टोरेज को यहाँ पे लोड होने के लिए, जितने कम जीबी वाला आईफोन होगा उसमें जो है उतना जल्दी लोड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम डेटा जो है 20 GB के आसपास का है, तो ये जो है यहाँ पे ओके है, कोई इसमें मुश्किल आपको पेश नहीं आनी चाहिए और यहाँ पे कोई स्टोरेज बग वगैरह जो है मुझे नजर नहीं आ रहा है, यानी कि एक्सेसिव स्टोरेज अगर यूज किया है, ये जो अदर्स वाला स्टोरेज है सिस्टम डेटा जिसको एप्पल आजकल बोल रहा है, वो अगर यहाँ पे फुल हो जाता या 50 GB हो जाता या उससे ज्यादा हो जाता तब जो है यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती थी, लेकिन 20 GB के आसपास अगर आप रेगुलर यूजर हो अपने फोन के और अच्छा खासा यूज करते हो तो ये होना चाहिए। और यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग रहता है, यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि फ्लक्चुएट होता है, साफ तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू जो है इसकी फ्लक्चुएट होती है जैसे जैसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है घटती है, ताकि आप कोई भी एप्लीकेशन खोले तो फट से जो है ओपन हो जाए, तो इस तरीके से सिस्टम डेटा या जो भी सेटिंग्स आप ओपन करते हो जो भी टास्क आप करते हो उसके लिए वहां पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 20 GB 25 GB के आसपास भी अगर रहेगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ उन लोगों को इशू हो सकता है जिनका फोन 64 GB का हो, लेकिन 64 GB वाले फोन में जनरली मैंने देखा है कि 10 GB के आसपास ही सिस्टम डेटा आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ बग्स है या नहीं इस अपडेट में, तो इस अपडेट को जिन लोगों ने डाउनलोड इंस्टॉल किया उसके बाद उनको पता चला कि इसमें एक बग था, वो बग था जो अभी फिक्स हो चुका है वो है गूगल फोटोज का। तो गूगल फोटोज आईफोन पे आप यूज कर सकते हैं और जो भी फोटोज आपके फोन में है वो आप इस पे बैकअप भी कर सकते हैं और मल्टीपल अकाउंट भी आप जो है यहाँ पे रख सकते हैं। तो 15 GB का जो गूगल का फ्री स्टोरेज है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, और गूगल फोटोज जो है इस्तेमाल करने में क्रैश हो रहा था इस वाले अपडेट में, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है अब सॉल्व हो चुका है। इनिशियल जब अपडेट आया था उस टाइम पे क्रैश हो रहा था, लेकिन बाद में गूगल ने एक ऐप अपडेट पुश किया अपने ऐप के लिए गूगल फोटोज के लिए और उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना गाइस, ये जो अपडेट था इसमें इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फिक्सेस भी थे, तो ये अपडेट जो है काफी जरूरी एक अपडेट है, और जैसे आपने सारे पैरामीटर्स देखे सभी पैरामीटर्स पे अपडेट अच्छा है। स्टोरेज का इशू जो है इनिशियली जो देखने मिला हमको बाद में जो है सॉल्व हो गया, और सिस्टम डेटा एक्सेसिव जो यूज होता था वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, बैटरी लाइफ में इशू नहीं है, और जो छोटे मोटे बग्स थे प्रॉब्लम्स थे वो भी यहाँ पे फिक्स हो गए। ओवरऑल जनरल यूजेज के हिसाब से ये अपडेट काफी सही है, और अगर आपको इसको अपडेट करना है तो आप आगे जाके अपडेट कर सकते हैं। हमेशा मैं 2 से 3 दिन या 4 दिन में एक रिव्यू वीडियो बनाता हूँ जो भी नई अपडेट आती है, खास करके स्टेबल वर्जन, और आप लोगों को बताता हूँ कि अपडेट आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोग पहले भी कर लेते हैं, तो मर्जी आपकी है। मेरे हिसाब से ये अपडेट जो है काफी अच्छा है, स्टेबल है। इसका एक और वर्जन जो है 16.3.2 वो एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते में, और 16.4 का जो बेटा 1 है उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है जिसके ऊपर मैं एक वीडियो जो है बना चुका हूँ डेडिकेटेड, तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। और नेक्स्ट मंथ में ये जो 16.4 का अपडेट आपको देखने मिलेगा ये जो है काफी अच्छा अपडेट होगा और इसमें काफी अच्छे फीचर्स भी होंगे। फिलहाल स्टेबिलिटी के लिए अपडेट जो पुश किया एप्पल ने उसको आप डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे तो आपकी उसमें भलाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका भी एक्सपीरियंस मेरे तरह अच्छा ही रहा होगा, और उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।